नमस्ते बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 10 का पार्ट 2। सेम प्रोसेस रहेगा अपना यहाँ पर भी इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का। मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो सारी अंडरलाइन करवाऊंगी और वहाँ से हमारे सीबीएसई में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको बताऊंगी। सेकेंडली, जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूंगी पैराग्राफ वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस? अभी हम लोग पार्ट 1 के अंदर पढ़कर आए थे एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का एन एरोबिक डाइजेशन, यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज जो है वो एन एरोबिकली डाइजेस्ट होता है स्लज डाइजेस्टर के अंदर, और वहां पर हमारे पास में एन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं स्लज को और एक गैसेस का मिक्सचर हमारे पास में बनकर आता है ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एन एरोबिक बैक्टीरिया। एंड दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इंक्लूड्स मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द बायो गैस। ओके, तो बायो गैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जहां पर मेनली जो सबसे ज्यादा अमाउंट में गैस हमारे पास प्रेजेंट होती है डोमिनेंटली, दैट इज द मीथेन गैस। ओके, तो यहां से बच्चों आपको ये पॉइंट याद रखना है, बायोगैस इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन डोमिनेंट कौन सी गैस है? मीथेन गैस। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है, आपको याद करते हुए चलना है। सेकेंड पॉइंट, बायोगैस का प्रोडक्शन करने में कौन से बैक्टीरिया जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं? वैसे तो मैंने आपको पूरे ग्रुप बता दिया एन एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम जो एन एरोबिक बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया और मीथेनो बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस और मीथेनो बैक्टीरिया। लिया, तो ये नाम हमें याद रखना है, बायोगैस कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ आपको एक पॉइंट और याद करना है कि ये बैक्टीरिया एन एरोबिक होते हैं। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ से याद करते हुए चलना है। फोर्थ पॉइंट जो आपको यहाँ से बच्चों याद करना है वो कि इन बैक्टी ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से मटेरियल के ऊपर एक्शन करके मीथेन गैस बनाते हैं? तो हमें याद करना है सेलुलोजिक मटीरियल। तो मीथेनोजन बैक्टीरिया जब सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर अपनी एक्टिविटी करते हैं, इसको जब डाइजेस्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद अदर गैसेस। क्लियर? तो हमें याद रखना है टर्म सेल्यूलोजिक मटीरियल। क्लियर? ओके, ये मीथेनोजन बैक्टीरिया अभी जैसे अपन ने बात करी एक्टिवेटेड स्लज के अंदर प्रेजेंट थे, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक के साथ में, एक पार्ट होता है स्टमक का जिसको हम रूमन कहते हैं। तो यहाँ से आपको रूमन याद करके चलना है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। ओके, तो उनके रूमन के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, और इनका यहाँ पर फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है जो कैटल्स सेलुलोज को खा रहे हैं, है ना, प्लांट के अंदर मेन जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, तो जो रूमन के अंदर ये मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उनके जो सेलुलोजिक मटेरियल है उनके फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर 6 याद करना है। ये बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर? व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ कैटल? तो आंसर क्या है? दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ओके, तो ये 6 पॉइंट आपको यहाँ से याद करते हुए चलना है। ओके, 7 पॉइंट, जो काऊ डंग होता है या एक्सक्रीटा जो होता है जिसे हम कॉमनली गोबर भी कहते हैं, उस गोबर के अंदर ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया है मिथेनोजन बैक्टीरिया वो नेचुरली उस डंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए काऊ डंग को हम नेचुरली यूज कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है व्हाई द काउ डंग इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। तो आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेनोजन बैक्टीरिया। ओके, मीथेनोजन बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है नेचुरली, इसलिए वहां से वो बायोगैस जनरेशन करने के लिए हेल्प में लाई जा सकती है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द सबस्ट्रेट दैट एक्ट ऑन टू प्रोड्यूस बायोगैस। सिंपल है,
और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, मिथेनोजेंस, एंड सबस्ट्रेट क्या है, सेलुलोजिक मटेरियल। ओके चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है देखो प्रीवियस ईयर, हाउ डू मिथेनोजेंस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, कैसे हेल्प कर रहे हैं बायोगैस का प्रोडक्शन करने में, तो सिंपल है, मिथेनोजेंस क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा, द सेलुलोजिक मटीरियल एंड प्रोड्यूस द बायोगैस। चलो आगे देखते हैं कि काउ डंग से बायोगैस जनरेट कैसे की जाती है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास में एक बायोगैस प्लांट होता है, ये देखो डायग्राम के अंदर बायोगैस प्लांट दिखाया है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, डंग एंड द वाटर, यानी कि जो डंग काउ डंग या काउ एक्सक्रीटा है उसकी स्लरी बना दी जाती है वाटर मिक्स करके, और उसको इस टैंक के अंदर, ये टैंक है, टैंक इज ऑल्सो नोन एज द डाइजेस्टर। क्यों कह रहे हैं डाइजेस्टर, बिकॉज यहाँ पर जो भी सेलुलोजिक मटेरियल है, या हम ये भी कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो डाइजेस्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजन्स बैक्टीरिया। और मिथेनोजन बैक्टीरिया आए कहाँ से हैं, इस डंग के साथ में, क्लियर। और इसको एयर की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पर एन एरोबिक कंडीशन प्रेजेंट होती है डाइजेस्टर के अंदर। डाइजेस्टर के ऊपर हमारे पास में एक एक कवर होता है, द कवर इज प्रेजेंट अबव द डाइजेस्टर एंड दिस इज अ फ्लोटिंग कवर, ये ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं है, दिस इज अ फ्लोटिंग कवर। ओके, और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं फ्लोटिंग कवर है ये, और इसके अंदर गैस को हम होल्ड कर सकते हैं, गैस यहाँ से जो जनरेट होगी वो इस होल्डर के अंदर जो है वो कलेक्ट होती है, एंड देन वी हैव अ आउटलेट, ये हमारे पास गैस का एक आउटलेट है जहां से गैस को हम अपने घर के अंदर या फिर जहां भी हमें यूज करना है वहां पर हम इस गैस को मूव करा सकते हैं। इनफ्लेमेबल होती है, इसलिए फॉर द लाइटनिंग पर्पस और फॉर कुकिंग द फूड वी कैन यूज दिस गैस। ओके, अभी आते हैं, एक आउटलेट हमारे पास यहाँ देखो और प्रेजेंट है, दिस इज फॉर द कलेक्शन ऑफ स्लज और द डाइजेस्टेड स्लरी, जो ये स्लरी है ये आफ्टर डाइजेशन यहाँ कलेक्ट हो जाती है और हम इसको एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ओके, एज फर्टिलाइजर हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये स्लरी यहाँ पर कलेक्ट कैसे होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है वो देखना, जब हम इसके अंदर ये स्लरी डाल रहे हैं डंक एंड वाटर, तो वो यहाँ बेसमेंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, क्लियर। अब इसके ऊपर एनएरोबिक बैक्टीरिया एक्शन करते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेशन से क्या होता है, बहुत सारी गैसेस फॉर्म्स होती हैं, अभी हमने पढ़ा बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो गैसेस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, तो गैसेस के कारण ये जो पूरी स्लरी होती है ये पफी हो जाती है, और पफी होकर ये कहाँ चलेगी, ये ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट होगी, तो जो डाइजेस्टेड स्लरी है, डाइजेस्टेड स्लरी है ना, वो यहाँ ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है गैस के साथ साथ, गैस यहाँ कलेक्ट हो रही है और स्लरी भी ऐसे अपवर्ड मूव करती है, एंड इट इज जब ये इस आउटलेट के लेवल तक पहुंच जाएगा तब क्या होगा, इट कम्स आउट फ्रॉम दिस आउटलेट एंड कलेक्टेड हियर। ओके, एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक इट आउट फॉर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इस तरह से ये बायोगैस प्लांट फंक्शन करता है, या आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है बच्चों, आपको याद करना है स्ट्रक्चर और इसके अंदर बायोगैस कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो भी आपको याद करना है। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस हो रही है तो आपको याद रखना है डाइजेशन हो रहा है एनएरोबिकली, किसका हो रहा है, सेलुलोजिक प्लस अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का हो रहा है, कौन कर रहा है, मिथेनोजन बैक्टीरिया कर रहे हैं। ओके, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वी हैव द मिथेन गैस एज वेल एज द स्लज व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजर, क्लियर। तो ये था हमारा बायोगैस प्लांट, बायोगैस को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, फॉर द कुकिंग पर्पज एंड फॉर द लाइटनिंग पर्पज। ओके, तो ये हमारा पूरा बायोगैस प्लांट के बारे में डिटेल, और दो इंस्टीट्यूट्स के नाम हमें यहाँ से और याद करने हैं, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, ये दोनों जो हमारे पास में हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी हेल्प से हमारे पास में डेवलप हुआ है ये बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर, और हम विलेजेस के अंदर बायोगैस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि विलेजेस में बहुत सारे कैटल्स मल्टीपल यूजेस के लिए वहाँ पर उनको पाला जाता है। ओके चलो,
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट को समझने के लिए पहले हमें बच्चों कन्वेंशनल जो फार्मिंग है हमारी उसको थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम के साथ में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको कंपैरेटिवली देखते हैं और उसके बाद टॉपिक की ओर मूव करेंगे। देखो कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ओके, एंड ऑल दीज केमिकल्स आर वेरी टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल टू किसके किसके लिए हार्मफुल होते हैं वो देखना, हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स as well as different animals, different insects which are surviving there in the ecosystem, and even they contaminate or pollute our fruits and vegetables also. So it is very harmful for animals and as well as for the plants, and they cause pollution. बहुत हाई लेवल का पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन जो है इन केमिकल्स की वजह से कॉज होता है। एंड ये जितने भी केमिकल्स हैं ये सारे के सारे हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीशीज जो हैं, बहुत सारे दूसरी एनिमल्स की स्पीशीज जो हैं वो इन टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण अभी इंडेंजर्ड हो रही हैं। ओके, तो ये सारी की सारी नुकसान है हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग के। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इन पॉइंट्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ओके, अब आते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल्स को यूज़ नहीं करते बच्चों, ठीक है, केमिकल्स की जगह हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट और पेस्ट हमें अगर कंट्रोल करना है तो हम दूसरे बायोलॉजिकल मींस से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स जिनको अभी हम पढ़ेंगे। अब हम क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, नेचुरल है, इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता, इससे किसी भी ह्यूमंस, एनिमल, इंसेक्ट, इवन हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको भी कोई भी तरह का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा, और नेचुरल मींस है तो कोई तरह का पॉल्यूशन भी नहीं होता, और बायोडाइवर्सिटी को भी कोई भी हार्म नहीं होता। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो आज फार्मर प्रिफर कर रहा है, क्यों, क्योंकि उससे हम इतने सारे नुकसान करने से बच जाते हैं। क्लियर, तो देखो प्रीवियस ईयर हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज केमिकल फ्री फार्मिंग, हम यहाँ कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे, सो दिस इज केमिकल फ्री फार्मिंग। एंड व्हाई इज इट सजेस्टेड टू स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें क्यों स्विच ओवर करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो हम यहाँ कन्वेंशनल फार्मिंग के सारे नुकसान बता सकते हैं कि हमारे लिए इतनी तरह से नुकसानदायक है कन्वेंशनल फार्मिंग, सो वी हैव टू स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये पॉइंट्स आप सारे के सारे यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंड लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, व्हाई डू फार्मर्स प्रीफर बायो फर्टिलाइजर्स टू केमिकल फर्टिलाइजर। तो वो के वो चीज़ें हैं, बायो फर्टिलाइजर क्यों हम प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर टॉक्सिक, हार्मफुल टू, सबके नाम लिख देना, कॉजिंग पॉल्यूशन एंड ऑल्सो हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं जो भी हम लोगों ने यहाँ से समझे थे, ठीक है। चल अब आते हैं हम एक ऑर्गेनिक फार्मर के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मर क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मर क्या कहता है, एक पॉइंट यहाँ से आपको याद करना है। ऑर्गेनिक फार्मर कहता है कि बायोडाइवर्सिटी इज फर्दर हेल्दी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ओके, और बायो कंट्रोल मीन्स एंड वेन देयर इज मोर वेराइटी इन द लैंडस्केप द इकोसिस्टम और द लैंडस्केप विल बी सस्टेनेबल। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, इकोसिस्टम सस्टेनेबल इकोसिस्टम होगा। ओके, अब चलो आगे एक बात अपन और यहाँ पर पढ़ते हैं कि
कन्वेंशनल फार्मिंग में जो हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे थे वो केमिकल्स हमने ये हम बात तो करी थी इंसेक्ट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, तो क्या होता है कि इट विल किल बोथ बोथ मतलब द यूजफुल इंसेक्ट एज वेल एज द हार्मफुल इंसेक्ट। सो केमिकल मेथड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो केमिकल मेथड को छोड़ते हुए हमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ होलिस्टिक अप्रोच, ये टर्म एक आपको याद करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। हम इसको होलिस्टिक अप्रोच क्यों कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है व्हाई दिस इज कंसिडर टू बी होलिस्टिक अप्रोच। सो दिस इज कंसिडर टू बी होलिस्टिक अप्रोच बिकॉज हियर द फार्मर डेवलप, फार्मर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। फार्मर के अंदर क्या डेवलप होता है, फार्मर डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, समझ डेवलप होती है। किस चीज की समझ डेवलप होती है, उसको ये पता चल जाता है कि भाई उसका ये जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर उसके पास कितनी तरह की स्पीशीज प्रेजेंट है और इन स्पीशीज के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है। ओके, सो द फार्मर डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन, वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, उसके फील्ड के अंदर कितनी स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज कितनी है, एनिमल स्पीशीज कितनी है और उन सब के बीच में किस तरह का वेब इंट्रैक्शन है। हम लोग पढ़ते हैं ना फूड वेब, फूड चेन, फूड वेब, तो किस तरह का वेब इंट्रैक्शन अवेलेबल है उसके फील्ड के अंदर प्रेजेंट फौना एंड फ्लोरा के अंदर। दैट्स वाई दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच, उसको सब कुछ पता चल गया। अब फार्मर को जब सारी चीजें पता चल गई तो वो क्या कर सकता है, वो नेचुरल प्रिडिक्शन को यूज कर सकता है कि भाई हम ये एक स्पीशीज है, दिस इज अ पेस्ट, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो मेरे प्लांट्स को खराब कर रहा है। ओके, सो नाउ फार्मर नोज विच अनदर स्पीशीज इज बेनिफिशियल फॉर हिम एंड विच कैन बायोलॉजिकली कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज ए। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर के अंदर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, हॉलिस्टिक अप्रोच है जिससे वो ये पता लगा लेता है कि भाई किस तरह से एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज कंट्रोल करेगी। सो नाउ द फार्मर विल डू, क्या करेगा वो क्या करेगा, वो पूरी तरह से डिपेंड कर लेगा इस नेचुरल प्रिडिक्शन मेथड के ऊपर एंड वो स्विच ऑफ कर देगा टॉक्सिक केमिकल्स के यूज को। सो द फार्मर विल नॉट यूज एनी टॉक्सिक केमिकल टू कंट्रोल दिस स्पीशीज, ही विल व्हाट ही विल डू द ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय द नेचुरल प्रिडेशन मेथड। सो नेचुरल प्रिडेशन मेथड को वो यूज करेगा और स्पीशीज ए की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगा। क्लियर, तो ये इसका हमारा आंसर है। अब आते हैं हम लोग बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, एग्जाम्पल्स से जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो याद रखने हैं आपको, तो पॉइंट्स याद करते हुए चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है लेडी बर्ड, ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है एफिड्स की पॉपुलेशन को। सेकंड हमारे पास में है ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करते हैं मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को। तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ से याद करना है वो है बेसिलस थुरिजियंसिस, ये क्या है, दिस इज अ बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दिस टॉक्सिक सब्सटेंस कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। क्लियर, कैसे कंट्रोल करता है, क्या किया जा रहा है, ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के स्पोर्स मार्केट में अवेलेबल है पाउडर्ड फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में। सो द स्पोर्स आर मिक्स्ड विद द वाटर एंड वी हैव अ स्प्रे, स्प्रे बना लेते हैं और स्प्रे को हम क्या करते हैं, हमारे प्लांट के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया। स्प्रे के साथ में जो स्पोर्स हैं वो इस लीव्स के ऊपर हमारे पास में पहुंच गए। नाउ व्हेन द कैटरपिलर एट द लीफ, अब जब कैटरपिलर इस लीफ को खाएगा तो क्या होगा, द स्पोर्स विल गेट एंटर इन द बॉडी ऑफ कैटरपिलर, इन द बॉडी ऑफ कैटरपिलर और इससे क्या होगा, द कैटरपिलर विल डाई क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो कैटरपिलर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। नाउ दिस इज
दीज स्पोर्ट्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। अब क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई के कैटरपिलर या दूसरे जो कैटरपिलर वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, तो ओनली कैटरपिलर्स की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो रही है, दूसरे कोई इंसेक्ट्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर या अदर स्पीशीज अदर एनिमल स्पीशीज के ऊपर इस बैक्टीरियल स्पोर्ट्स का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ओके, अब आते हैं एक और चैप्टर 12 में। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो बीटी कॉटन के बारे में, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जहां पर हमने क्या किया, वी ट्रांसफॉर्म द कॉटन प्लांट, वी ट्रांसफॉर्म द कॉटन प्लांट, हमने कॉटन प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे कर दिया, वी इंसर्टेड द बीटी जीन, इंसर्टेड द बीटी जीन, जो ये टॉक्सिक प्रोटीन वाला जीन है, वी इंसर्टेड दैट जीन इन द कॉटन प्लांट। इससे क्या हो गया, द प्लांट बिकम रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द इंसेक्ट पैड्स। ठीक है, तो प्लांट इट सेल्फ, अब हमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट की लीफ के अंदर ही हमने क्या करा, इस टॉक्सिक प्रोटीन को इंसर्ट कर दिया। अब ये लीफ खुद ये टॉक्सिक प्रोटीन बना रही है, तो जैसे ही इस टॉक्सिक लीफ को कोई कैटरपिलर खाएगा तो क्या होगा, द कैटरपिलर विल डाई। ओके, तो ये हमारा था बीटी बेसिलस थुरिजिएंसिस। नेक्स्ट देखते हैं बायो कंट्रोल अप्रोच, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, याद रखना, व्हाट इज ट्राइकोडर्मा, दिस इज अ फंगस। कहाँ सरवाइव करती है, दिस इज अ फ्री लिविंग फंजाई प्रेजेंट इन द सोइल। क्या करती है ये बायोलॉजिकल एजेंट एजेंट की तरह वर्क करती है, और सेवरल प्लांट पैथोजेंस को ये कंट्रोल करती है। कौन से पैथोजेंस को, विच आर रूट बॉर्न, तो रूट बॉर्न जो डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल करने में फंगस ट्राइकोडर्मा इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट देखो, बायो कंट्रोल एजेंट है हमारा बकेलो वायरसेस। यहाँ पर ना ये जितनी लाइंस है वो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। बकेलो वायरसेस क्या करते हैं, पहली बात तो ये वायरस है, ठीक है, सेकेंडली ये किस पे अटैक करता है, तो इट अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड्स। ओके, ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, ये याद करना, इट बिलोंग्स टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ये याद करना है। ओके, नाउ बकेलो वायरसेस हमारे लिए क्यों बहुत बेनिफिशियल है वो देखो। पहला पॉइंट, दिस इज वेरी स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर इसका एक्शन हो रहा है। सेकेंड देखो, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है, सपोज हमारा ये पूरा एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमारे पास में ए बी सी ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारी इंसेक्ट स्पीशीज अवेलेबल है। ओके, बट ये जो बकेलो वायरसेस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि दे कैन अटैक ओनली सम स्पेसिफिक स्पीशीज, कुछ स्पीशीज के ऊपर ही ये अपना अटैक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नैरो स्पेक्ट्रम, कि ये कुछ स्पीशीज के ऊपर अटैक करके उनको उनकी डेथ कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अदर स्पीशीज, अदर इंसेक्ट स्पीशीज विच आर विच वी कैन से दैट नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स, उनके ऊपर कोई हार्म नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, हमें ये याद रखना है। ओके, सो इसका तीसरा बकोलो वायरस का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ऑन द प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। ये इसकी थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, वी यूज बकेलो वायरसेस फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्या मतलब है, मीन्स वी आर कंजर्विंग द बेनिफिशियल बैक्टीरिया, सॉरी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, वी आर कंजर्विंग द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। ओके, सो दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो बकेलो वायरस यही काम करता है, वो नॉन टारगेटेड स्पीशीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। इट मीन्स नॉन टारगेटेड स्पीशीज यानी कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनका कंजर्वेशन करता है। सो हम बकेलो वायरसेस को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में यूज करते हैं। बकेलो वायरसेस को हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में भी यूज करते हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं, जहां पर जो स्पीशीज प्रेजेंट है हमें उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना है।
ओके तो प्रिजर्व करना है तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड बायो कंट्रोल एजेंट्स चाहिए। और हमारा बकेलो वायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका, ये दूसरे किसी भी एनिमल के ऊपर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है इसका, इसलिए हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के अंदर पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए बकेलो वायरसेस को यूज़ करते हैं। ओके चलो अब देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस बी प्रिफर्ड टू द कन्वेंशनल यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। तो ये तो बच्चों हम लोग अभी ऊपर डिस्कस कर आए हैं ना, केमिकल पेस्टिसाइड क्यों नहीं यूज करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्यों यूज करना है। अभी आते हैं हाउ द फॉलोइंग माइक्रोब्स एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। फर्स्ट इज बेसिलस, सेकेंड न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। तो हम ये बकेलो वायरस और बीटी को अभी डिटेल में पढ़ाए, आपको ये बातें यहाँ पर लिखनी है। बकेलो वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर IPM इन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। एक्सप्लेन गिविंग दो रीजन देने हैं, कुछ भी दे सकते हो। फर्स्ट दे सकते हो आप स्पीशीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, कंजर्व बायोलॉजिकल और बेनिफिशियल इंसेक्ट, कुछ भी आप दो पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। नेम द जीनस टू विच बकेलो वायरसेस बिलोंग, ये अपन पढ़कर आए, न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरसेस। डिस्क्राइब देयर रोल इन IPM, ये भी अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर, तो ये था अपना टॉपिक बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बच्चों देखो आजकल हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसके बहुत सारे हार्म हैं। अभी ऊपर वाले टॉपिक में हम लोग पढ़कर आए थे कि केमिकल पेस्टिसाइड कैसे हार्मफुल हैं, जहां पर अपने बात किया था केमिकल्स आर टॉक्सिक, देन दे आर हार्मफुल फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। फिर हमने बात करी थी केमिकल्स कॉज पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दे आर हार्मफुल फॉर अवर बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के केस में भी सारे पॉइंट्स हमारे काम करते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं तो केमिकल्स हैं तो वो हमारे इस तरह से हमें इकोसिस्टम को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वो इस हार्म्स को जो फार्मर्स जानते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को ख़त्म कर रहे हैं एंड दे आर स्विचिंग ओवर टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर वो केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। ओके तो हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, व्हाई डू फार्मर्स प्रिफर बायो फर्टिलाइजर्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स दीज डेज। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर, ये आप सारे पॉइंट्स लिख देना, दैट्स व्हाई फार्मर्स आर यूजिंग और प्रिफरिंग द बायो फर्टिलाइजर्स। क्लियर, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं डिफाइन करते हैं व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स, ओके वी आर यूजिंग सब ऑर्गेनिजम्स एज बायो फर्टिलाइजर and these organisms they enrich the nutrient quality of the soil, हमारे soil की nutrient quality को increase करते हैं bio fertilizers। कौन कौन से organisms को हम use करें, we are using bacteria, fungi, cyanobacteria। चलो एक एक की बात करते हैं, सबसे पहले हम bacteria की बात करते हैं। तो हमारे पास नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया का, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या करता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया इट प्रोड्यूस द रूट नोड्यूल्स एंड इन दीज रूट नोड्यूल्स राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक क्वेश्चन है व्हाई इज राइजोबियम कैटेगराइज्ड एज सिम्बायोटिक। सो राइजोबियम एंड द लिग्यूम प्लांट, this is the symbiotic association. Why this is known as symbiotic association? Because the plant is providing the safe place to live the bacteria, and the bacteria it is fixing the nitrogen and providing nutrient to the plant. So both the plant and the bacteria both are benefited. So this is a symbiotic association. ओके तो ये इसका आंसर है। तो
सिम्बायोटिक एसोसिएशन है राइजोबियम एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में, एंड दिस बैक्टीरिया इज फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन N2 इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज नाइट्रोजन सोर्स. क्लियर? ओके, चलो आगे आते हैं. ये तो बात थी कि राइजोबियम प्लांट के अंदर रह रहा है, बट देयर आर मेनी फ्री लिविंग बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. एग्जाम्पल याद करना है एजो स्पाइरुलम एंड एजेटो बैक्टर. फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, दे आर ऑल्सो फिक्सिंग द नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स दे आर कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इन टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, एंड दिस नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म इज यूज बाय द प्लांट्स. क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं एजो स्पाइरुलम एजेटोबैक्टर, और सॉइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं मींस ये सॉइल की नाइट्रोजन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. ये थे बैक्टीरिया. अब आते हैं हम लोग फंजाई के ऊपर. फंजाई में हमारे पास नाम है माइकोराइजा, और हमें एक जीनस का नाम भी याद करना है ग्लोमस. जीनस इज ग्लोमस, फंजाई इज माइकोराइजा. This mycorrhiza also show the symbiotic association with the plant. Symbiotic association, okay? Means plant क्या कर रहा है? Place दे रहा है इसको survive करने के लिए, और ये nutrient provide कर रहा है plants को. अभी हमने ऊपर बात करी थी nitrogen की. यहाँ पर जो हमारे पास में mycorrhiza है fungi, ये क्या provide कराता है? It is providing the phosphorus. So it absorb phosphorus from the soil and providing to the plant. क्लियर? माइकोराइजा फॉस्फोरस तो देता ही है, साथ ही साथ इसके और भी दूसरे बेनिफिट होते हैं. क्या क्या बेनिफिट है वो देखो. तो पहला बेनिफिट हमारे पास में है, इट आल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजेंस, एंड सेकंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट. देखो ये कैसे पॉसिबल होता है. सपोज ये हमारा एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम है. ओके, ऐसे. अब इस रूट के साथ में हमारा माइकोराइजा ने एसोसिएशन कर लिया, ये हमारा फंगल हाइफी है. सो फंगल हाइफी क्या कर रहा है? ये इस रूट के एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सरफेस एरिया को इसने इंक्रीज कर दिया. ये फंगल हाइफी भी बिल्कुल रूट सिस्टम की तरह वर्क करता है, यानी कि ये सॉइल की जो डीपर लेयर है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सैलिनिटी एंड ड्राउट कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है. सेकेंडली ये क्या करता है, ये जो फंगल हाइफी है यहाँ पर कोई भी दूसरे अगर पैथोजेंस, रूट बॉर्न डिजीज के पैथोजेंस यहाँ सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है उनको ये ट्रैप कर लेता है और उनको प्लांट के अंदर इन्फेक्शन फैलाने से रोक देता है. सो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. तो ये माइकोराइजा के कुछ अदर यूजेस है. अब आते हैं देखो एक क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डू माइकोराइजा एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर. ये तो हमने पढ़ लिया, फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रहा है. नेम अ जीनस ऑफ फंजाई, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्लोमस. ओके, हाउ डू प्लांट बेनिफिट फ्रॉम हैविंग माइकोराइजल सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो बेनिफिट्स हमें तीन पता है, पहला फॉस्फोरस दे रहा है, सेकेंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं. चलो फंजाई के बाद आते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया के ऊपर. साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो. ओके, ये क्या करता है साइनोबैक्टीरिया, इट कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. साइनोबैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. कुछ एग्जांपल्स हैं, तीनों नाम याद कर लेना, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिडेटोरिया. पैडी फील्ड्स की बात करें, वहां पर साइनोपैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड, जहां पर पानी बहुत अच्छा अवेलेबल होता है. सो साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर देयर. इट फिक्स द नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड टू द पैडी फील्ड्स, पैडी प्लांट्स. ओके, एंड दीज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. तो ये था हमारा बायोफर्टिलाइजर्स, जहाँ पे हमने बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया की बात करी. ये देखो क्वेश्चन है एक हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोबैक्टीरियम दैट कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ऑसिलेटोरिया अभी हमने पढ़ा था, इज अ
साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपको यहां से नाम तीनों याद होंगे तो कोई कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बच्चों ये अपना चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। आपको करना क्या है कि हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जितनी भी लाइंस हमने यहाँ डिस्कस करी हैं, आई होप आप उनको अंडरलाइन करते हुए चले हो बुक में, और बुक से ही इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अलग से नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नोट्स लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इस चैप्टर में आपको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे नाम याद करने हैं, आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पढ़े हैं वो सब क्या क्या काम कर रहे हैं वो सब आपको याद करना है, ह्यूमन वेलफेयर में वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है ये आपको याद करना है। तो आप सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करना वीडियो के साथ में, और उसको बुक से ही याद करना। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ में। बाय।